दोस्तों, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा इंडस्ट्री के सबसे नए कपल हैं। इन दोनों लव बर्ड्स ने लंबे समय तक अपने रिश्ते के बारे में चुप्पी साधे रखी, लेकिन हाल ही में दिल्ली में एक भव्य समारोह में सगाई भी कर ली। तो उनकी इस सेरेमनी में राजनीतिक क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां भी पहुंची थी। परिणीति और राघव इस साल के अंत तक शादी के बंधन में बंधने को तैयार हैं। हाल ही में उन्हें उदयपुर से वापस आते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां ऐसा कहा जा रहा था कि वे अपनी शादी के स्पॉट की तलाश में गए थे। अब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा मत्था टेकने पहुंचे हैं। वहां से दोनों की कई फोटोज भी सामने आई। अमृतसर से आई तस्वीरों में हम परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को स्वर्ण मंदिर में एक साथ घूमते देख सकते हैं। एक्ट्रेस ऑफ व्हाइट सलवार कमीज और सिर पर दुपट्टा लपेटे हुए बेहद खूबसूरत लगी। दूसरी ओर राघव ने सफेद रंग का कुर्ता पजामा और ग्रे रंग की नेहरू जैकेट पहनी और सिर पर नारंगी रंग का कपड़ा बांधा है। दोनों हाथ जोड़कर चल रहे हैं और वे स्वर्ग में बनी किसी जोड़ी से कम नहीं लग रहे। इस बीच कहा जा रहा है कि परिणीति और राघव कथित तौर पर इस साल दिसंबर और नवंबर के बीच राजस्थान में शादी के बंधन में बन जाएंगे। हाल ही में एक्ट्रेस ने उदयपुर में पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से मुलाकात कर अच्छी जगहों और होटलों के बारे में जानकारी ली। वह वहां अपने परिवार के साथ थी। अगर शादी उदयपुर में होती तो परिणीति अपनी बहन प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास के नक्शे कदम पर चलेगी, जिन्होंने राजस्थान में भव्य तरीके से शादी की थी।